वट इज़ इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है और आज हम बात करेंगे कि वट इज़ द मीनिंग ऑफ ई एस एम इन कैटेगरी ई एस एम का मतलब क्या होता है तो ई एस एम भी एक तरह से कैटेगरी में ही आता है जब हम लोग गवर्नमेंट जॉब का जो रिक्रूटमेंट होता है उसको देखते हैं तो उसमें आपने ई एस एम को ज़रूर देखा होगा या ई एस एम के बारे में कहीं और ज़रूर पढ़ा होगा जिसका मतलब आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि क्या होता है तो सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म जानते हैं तो ई एस एम का ई e से होता है एक्स एस से होता है सर्विस एम से होता है मैन एक्स सर्विस मैन जिसका मतलब है कि अगर हमारे घर में हमारे परिवार में पहले से ही कोई गवर्नमेंट जॉब में होना तो अगर हमारे परिवार में पहले से कोई गवर्नमेंट जॉब में नहीं है तो उन्हें जो है वो गवर्नमेंट जॉब में स्पेशल कोटा दिया जाता है जैसे कि उन्हें फाइव मार्क्स एक्स्ट्रा मिलते हैं अगर किसी के परिवार में कोई गवर्नमेंट जॉब में है जैसे हमारे पेरेंट्स हो सकते हैं हमारे हमारा जो स्पोर्ट्स है यानी हमारा जो जीवन साथी है वो हो सकता है अगर उनमें से कोई है तो हमें जो है वो एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं दिए जाते तो ई में जो है वो स्टूडेंट रखे जाते हैं वो स्टूडेंट आते हैं जिनके परिवार में कोई भी गवर्नमेंट सर्विस में नहीं होता है जो कि पूरी पोस्ट में से जितनी पोस्ट निकली है जॉब के लिए उसमें से पूरी पोस्ट में से कुछ एक परसेंटेज में इन्हें रखा जाता है या पोस्ट को इनके लिए रिजर्व कर दिया जाता है तो उम्मीद करते हैं कि आप ई के बारे में जान पाए होंगे अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में भी जरूर बताएं वीडियो देखने के लिए धन्यवाद इसी तरह पाने के लिए अपने मोबाइल कंप्यूटर लैपटॉप में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटी के आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख पाए